रामगढ़ ताल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को 23 बंडल बिजली के तार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एएसपी व सीओ कैंट आईपीएस राहुल भाटी ने बताया कि रामगढ़ ताल पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर पहुंची टीम को गायघाट फोर लेन पर कुछ लोग संदिग्ध दिखाई दिए, जिसको देखते हुए टीम ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर भागने लगे, जिसमें एक गोली उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के बगल से निकली। जवाब में उन्होंने 2 राउंड फायरिंग किया और बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिनकी पहचान संजय सहानी पुत्र संतराज निषाद निवासी रामपुर बड़का टोला थाना रामगढ़ ताल, अच्छेलाल उर्फ लाकू सहानी पुत्र भोला सहानी निवासी रामपुर तथा रवि सहानी पुत्र झीनक सहानी निवासी रामगढ़ ताल के रूप में हुई, जिनके पास से 23 बंडल चोरी के बिजली का तार, 1 देशी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी विनोद कुमार सिंह, उप निरीक्षक धर्मेंद्र जैन, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल बबलू यादव, देवानंद प्रवीण कुमार पांडे, विजय प्रकाश यादव, कृष्ण कुमार सिंह, अंकित सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंट आईपीएस राहुल भाटी ने कहा, देखिए आज दिनांक 20 मई 2021 को रात्रि 1:15 पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी के सामान के साथ गायघाट अंडरपास के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ गाड़ाबंदी किए हुए हैं। उधर से उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा मैं पुलिस बल के साथ गश्त किया जा रहा था। वहाँ कुछ पुलिस बल को कुछ व्यक्तियों के बात और सुबुगाहट की आवाज़ उनको सुनाई दी, तो उन व्यक्तियों पर टॉर्च मारकर देखा गया और उनको बताया गया कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो उन बदमाशों द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 2 राउंड हवाई फायरिंग किए और बदमाशों को दौड़ाया गया लगभग 100 से 150 मीटर आगे गायघाट लहसड़ी फोर लेन अंडरपास के पास। इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार किए हुए बदमाशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, संजय साहनी पुत्र संतराज निषाद जो निवासी हैं ग्राम रामपुर बड़का टोला थाना रामगढ़ ताल के, इनके पास से 1 अदद देशी रिवॉल्वर, 32 बोर, 1 अदद 32 बोर के जिंदा कारतूस और 1 अदद 32 बोर का खाली खोखा बरामद हुआ है और इसके अतिरिक्त 8 बंडल बिजली के चोरी किए हुए तार बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है उसका नाम है अच्छेलाल और लाकू सहानी पुत्र भोला सहानी ग्राम रामपुर बड़का टोला थाना रामगढ़ ताल, इसके पास से कुल 8 बंडल बिजली के तार बरामद हुए हैं। और तीसरा अभियुक्त है रवि सहानी पुत्र झीनक सहानी निवासी ग्राम रामपुर बड़का टोला थाना रामगढ़ ताल, इसके पास से 7 बंडल बिजली के चोरी किए हुए तार बरामद हुए हैं।
और इन गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 185/20 IPC की धारा 307 41/411 और FIR संख्या 186/2021 आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा गया है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं है। जो दो मुकदमे आज की तारीख में पंजीकृत किए गए हैं 185 और 186/2021 ये इनका पहला आपराधिक इतिहास होगा। देखिए इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा था, फर्दर को जानकारी मिलती है तो आपको अवगत कराएंगे। ये टोटल 23 बंडल तार चोरी किए गए थे। अनुमानित मूल्य इनका है तारों का लगभग 1,00,000 रुपये।